हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्री और आप देख रहे हैं श्री इट फूड्स। आज हम आए हैं अंबरनाथ में, और जैसा अंबरनाथ का नाम आता है वी थिंक ऑफ जस्ट वन थिंग, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल इन अंबरनाथ। और बेसिकली अंबरनाथ इज़ वेल नोन फॉर दैट, और वो बहुत साल पुराना टेम्पल है। अदर देन दैट, अंबरनाथ इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर इट्स फूड। येस, यू हर्ड इट राइट। और यहाँ पर बहुत डिलीशियस फूड मिलता है एंड पीपल जस्ट एन्जॉय द टाइम ईटिंग आउट हियर। सो आज हम एक्सप्लोर करने वाले वेरी यूनिक एंड वेरी पॉपुलर फूड जॉइंट्स, जो आपको मोस्टली गूगल पे भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वेरी यूनिक वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फूड जर्नी। सो अभी हम आए हैं सविता स्नैक्स एंड पोलीबाजी केंद्र। ये आपको पड़ेगा अंबरनाथ ईस्ट में, अंबरनाथ रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक है, और यू नो आई थिंक सम 8 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो यहाँ का सबसे फेमस है वड़ा पाव, समोसा, और सैटरडे को मिसल पाव भी मिलता है, और आलू वड़ी, कोतमीर वड़ी और पराठे। सो मैंने यहाँ पे लोकल लाइट से भी पूछा कि यहाँ पे फेमस सबसे कौन सा है। सो दे सेड वड़ा पाव, और सैटरडे को मिसल पाव मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और यहाँ का मूंग भजी, और यहाँ का सबसे स्पेशल है दैट इज़ पराठा। आलू पराठा और मेथी पराठा दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो हमने लिया अभी आलू पराठा, सो वो टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़। सो हमने लिया अभी आलू पराठा, उसके साथ आता है ये गन पाउडर विच इज़ मेड अप ऑफ गार्लिक, और ये ऑनियंस, रॉ ऑनियंस मिलते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल और दिस लुक्स डिलीशियस, सो लेट्स सी हाउ इट इज़। वाओ, सो दिस पराठा इज़ वेरी सॉफ्ट, इट लुक्स वेरी स्टफ्ड। और ये जो उनका गार्लिक का जो चटनी है, जो गन पाउडर है, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स मिलेंगे गार्लिक के, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, सुपर्ब है। सो जैसा मैंने लोगों से सुना था इसका टेस्ट के बारे में, आई थिंक यू नो इट जस्टिफाइज एवरीथिंग। सो टुडे आई विटनेस्ड इट एंड इट्स वेरी टेस्टी टू बी ऑनेस्ट। सो अभी हम आए हैं इनके किचन में, जहाँ पे बढ़िया खाना बनता है। सो दे सेल अराउंड 1000 वड़ा पाव इन ए सिंगल डे। चलिए हम यहाँ के हर एक टीम मेंबर से बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और इस जगह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। माझं नाव गीता संतोष शिंपी आहे। गेली 23 वर्षे मी या दुकानामध्ये काम करत आहे। वडापाव, कोथिंबीरोडी, मूग भजी, मिरची भजी हे सर्व फेमस झालेलं आहे, आणि या दुकानाचे मालक आहेत हेमंत दत्तात्रय जोशी, हे सेवा राबवतात। गेली ते आज 10-12 महिलांचा ते संच चालवतात। त्यांच्यावरती सगळं व्यवस्थित, त्यांच्यामुळे सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे, सगळ्यांची प्रगती वगैरे व्यवस्थित त्यांच्यामुळे होत आहे, मुलाबाळांचं व्यवस्थित झालेलं आहे, त्याच्यामुळे दुकानाचं खूप फेमस आहे आणि खूप छान चालतं। त्याच्यामुळे आमची टीम पण खूप एकदम छान आहे, त्याच्यामुळे टीममुळे पण आमची व्यवस्थित चालतं। आज कुठलंही कोणीही येऊन जरी सांगितलं तरी व्यवस्थित तुम्हाला त्याचा रिस्पॉन्स मिळेल। 24 वर्षे झाले दुकानाला, आम्ही 9 जणी आहेत, 9 टीममध्ये आम्ही महिला आहोत। सगळेजण ज्याचे त्याचं आपापलं काम करतात, पोळी भाजी चालते, शनिवार रविवार मिसळपाव असतो। माझं नाव शोभा रमेश जगदाळे, मी इथे भाज्या बनवायचं काम करते, मिसळपाव बनवते, रोज एक ओली भाजी एक सुकी भाजी असते। 24 वर्षे झाले इथे कामाला, चांगला पगार मिळतो, आमचं घर व्यवस्थित चालतं। माझं नाव वैशाली विजय साळुंके आहे। मी पार्सल भरते, व्यवस्थित पार्सलही देते, लोकांचं हिशोब करून व्यवस्थित पैसेही घेते। मला 10 वर्षे झाली इथे काम करते त्याला। माझं नाव मंगल नारायण पाटील, मी पोळ्या भाकरी फुलके बनवते, मला 9 वर्षे झाली। मेरा नाम कोकिला आहे। इधर बर्तन करता, साफ सफाई मैं करता इधर, बस होगा। तो जैसे कि आपने देखा, दिस एंटायर आउटलेट इज टेकन केयर बाय लेडीज, और इनका टीम स्ट्रेंथ है 9। देर आर 9 लेडीज वर्किंग इन दिस आउटलेट। आई थिंक द अमाउंट ऑफ एफर्ट, द अमाउंट ऑफ पैशन, अमाउंट ऑफ डेडिकेशन व्हाट दे पुट टू मेक दिस स्मॉल एंड ब्यूटीफुल डिश व्हाट दे सर्व इट टू यू, आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल। सो दिस प्लेस इज इन अंबरनाथ, एंड दिस प्लेस इज वेरी नियर टू द प्लेसेस लाइक उल्लासनगर, कल्याण एंड बदलापुर। सो बाई एनी चांस इफ यू आर इन अंबरनाथ, और अगर आपको घर जैसा खाना खाना है, सो दिस इज़ द राइट प्लेस टू विजिट। और मुझे लगता है हम ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, वेरी ऑनेस्टली एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स। तो ये सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चालू रहता है, और शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक चालू रहता है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट।
सो मेरा कोशिश यही रहती है, आई नॉट ओनली शो द डिलीशियस फूड बट आई ऑल्सो ट्राई टू शो द वर्क बींग डन बिहाइंड द स्क्रीन जो हमें पता नहीं चलता है. सो दीज आर द पीपल लाइक हू आर बिहाइंड दिस सक्सेसफुल जर्नी. सो सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू देम. सो अभी हम आए हैं क्रेविंग्स फूड हब में और ये भी अंबरनाथ ईस्ट में पड़ता है. इट्स वेरी नियर टू अंबरनाथ रेलवे स्टेशन एज वेल. सो दिस इज क्रेविंग्स फूड हब. आई मीन इंटीरियर तो बहुत ज़बरदस्त लगा एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू यू नो मीट द ओनर ऑफ दिस फूड जॉइंट. आई थिंक ही वॉज क्वाइट बिजी सो आई कुडंट टॉक टू हिम मच बट हिज नेम इज मनोज मालिक. ही इंट्रोड्यूस यू नो ही शोड मी ऑल हिज रेस्टोरेंट हाउ द फूड्स आर मेड एंड लाइक फ्यू वाइटल इन्फॉर्मेशन विच आई गॉट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट फ्रॉम हिम दैट दे डोंट यूज अजिनोमोटो हियर सो विच इज़ वेरी सेफ एंड ऑल्सो इन द मिल्क शेक्स दे डोंट यूज यू नो एनी थिंग विच मेक्स द मिल्क वेरी थिक सो दिस इज प्योर मिल्क नो फ्रैपे. और ये जस्ट यू नो 50 डेज बिफोर कोविड ये स्टार्ट हुआ था. सो इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 2020 लेट 2020 मे बी यू नो अराउंड नवम्बर और डिसम्बर. सो उसके बाद कोविड आया था बट आई थिंक यू नो आफ्टर दैट दे रियली पिक्ड अप वेरी वेल जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड व्हाट दे यू नो मेक. सो यू नो रियली हैट्स ऑफ टू देम. ये आ गया हम लोग का पाव भाजी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन दिस फूड जॉइंट. सो दिस इज द भाजी. लुक एट द कंसिस्टेंसी लुक्स वेरी थिक एंड दे आर पुट यू नो लॉट्स ऑफ बटर ऑन टॉप ऑफ इट. और इनका और एक स्पेशलिटी है दैट यू नो दे चॉप द वेजिटेबल्स फॉर पाव भाजी राइट आफ्टर द ऑर्डर सो दैट यू नो दे डोंट स्टोर एनी वेजिटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर्स. जो भी है इट विल बी वेरी फ्रेश. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ दिस जॉइंट. और इसके साथ आता है ये पाव विच इज़ फुल्ली लोडेड विद बटर. सो दो पाव आते हैं एंड इफ यू सी इट्स वेरी सिंपल बट लॉट्स ऑफ बटर इनसाइड दिस. फिर यू नो रेगुलर ऑनियंस एंड लेमन. सो लेट्स टेस्ट दिस. सुपर बहुत बढ़िया है. द वेजिटेबल्स इन द भाजी इज कम्प्लीटली मैश्ड सो आपको चंक्स नहीं मिलेंगे. द थिकनेस ऑफ द भाजी इज सो गुड और जैसा आप एक बाइट लेंगे बहुत अलग ही फील है. सो गुड एंड राइट नाउ आई एम सिटिंग इनसाइड अ वेरी क्लोज रूम और इस पाव भाजी का महक इतना फैल गया इसमें मतलब आपका एपेटाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा व्हेन यू यू नो स्मेल दिस पाव भाजी. सो यू डोंट हैव टू च्यू एनीथिंग. आई कैन सी ओनली ग्रीन पीस विच यू नीड टू च्यू बट अदर देन दैट यू नो इट जस्ट थिकनेस ऑफ द ग्रेवी एंड यू जस्ट नीड टू स्वालो इट दैट्स इट. सो अमेजिंग. सो आई ऑल्सो हर्ड पिज्जा एंड पास्ता वेरी पॉपुलर ओवर हियर बट टू बी ऑनेस्ट लाइक इफ यू गेट एनी चांस टू विजिट दिस प्लेस आई थिंक पाव भाजी इज हाईली रिकमेंडेड. बहुत यूनिक है एंड बहुत टेस्टी है. सो इसके अलावा दे हैव यू नो पिज्ज़ा सैंडविचेस देन पानीनी देन चाइनीज देन यू नो आइसक्रीम्स मॉकटेल्स. सो यहाँ पे हमने लिया है अभी चोको ब्राउनी शेक और इतना गर्मी में ये पीना तो बनता ही बनता है. इट्स कम्प्लीटली लोडेड विद दी ब्राउनी एंड चॉकलेट एंड दिस हैज आइसक्रीम एज वेल. आई ऑप्टेड फॉर चॉकलेट आइसक्रीम इनसाइड दिस. सो टेस्ट करके देखते हैं लेट्स सी हाउ इट इज. हेवन. सो इट्स रिडिकुलसली हॉट आउटसाइड और इतने गर्मी में व्हेन यू गेट दिस विद सच डिवाइन टेस्ट इट मेक्स योर डे. सो इफ यू सी दिस इज अ चॉकलेट आइसक्रीम व्हाट दे पुट एंड यू विल गेट मेनी ब्राउनीज. ये सब ब्राउनी के पीसेस मिलेंगे आपको. और मैंने एक्चुअली ओनर से पूछा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर शेक व्हाट यू गेट हियर एंड दिस इज मोस्ट प्रिफरेबल. सो लोग यहाँ पे आके यही लेते हैं. सो हम अभी आ गए हैं अमय रेस्टोरेंट में. दिस इज़ इन अंबरनाथ वेस्ट और थोड़ी देर के लिए ये शॉप अभी क्लोज होने वाला है. सो हमें उतना टाइम नहीं है. सो आई ट्राई टू क्विकली रिव्यू दिस. सो लेट्स गो इनसाइड. और हमने मंगाया है यहाँ पे मिसल पाव. सो दिस इज़ आवर मिसल पाव. सो यहाँ पे मिसल पाव के अलावा बहुत कुछ मिलता है. यहाँ पे प्रॉपर लंच भी मिलता है. सब्जी भाकरी चपाती ये सब मिलता है बट आई जस्ट प्रीफर दिस मिसल पाव. इट लुक्स वेरी अमी. द क्वान्टिटी इज ऑल्सो गुड यू नो कम्पेयर टू अदर आउटलेट्स. सो द ग्रेवी लुक्स वेरी स्पाइसी लुक्स वेरी रेड एंड डार्क. और इसके साथ आता है ये दो पाव देन दिस रॉ ऑनियन एंड लेमन. सो लेट्स पुट सम लेमन ऑन टॉप ऑफ दिस मिसल पाव.
to make it less spicy, of course. So let's start. Wow, this is good. Thoda spicy hai, or spicy as in the spices what they use, that is in high proportion. So आपको very strong spice का essence मिल जाएगा. So this is a very traditional मिसल पाव, और ये typical महाराष्ट्रन type of मिसल पाव है. You know, they didn't do any fancy stuff. It's very, they kept it very simple, जैसा है. थोड़ा spicy level में थोड़ा ऊपर है, but it's very tasty. Gravy is very thick and consistent, that is the best part. और ऊपर से जो फरसन डाला, that is also in good proportion, good quantity. So they have peanuts as well in this misal pav. कुछ कुछ outlet में आपको peanuts नहीं मिलेंगे, but they have peanuts which also give that crunchiness in between when you taste this misal pav. So आपको अगर quick bites चाहिए, and if you are near Ambarnath railway station, I think this is the best place to visit. So अभी हम आए हैं हरिओम जूस सेंटर में. This is in Ambarnath East, और यहाँ का juices तो बहुत famous है, बहुत popular है. So let's go inside and taste something. So हमने लिया है यहाँ पे मस्क मेलन जूस. So I wanted something very light yet very healthy. So let's taste this. So good, so refreshing. This is a plain मस्क मेलन जूस. I think the मस्क मेलन fruit what they have selected, that itself is very sweet, because I didn't go for sugar as well as the ice. So this store is there from last 10 years in Ambarnath East, and बहुत popular जगह है. So I think it's worth visiting this place. So नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं. So I hope ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो. आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. इससे हमारी वेट के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है. So अम्बानाथ इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू एन्जॉय द फूड, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए हमने इस वीडियो पर जो जो कवर किया है. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लिविंग, कीप ईटिंग. बाय.